हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चैनल फेलो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन के लीव से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके 100 क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर आए हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। इसमें बहुत सारे मैं आपको डाउट जो है वो क्लियर करूंगा, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही हम साथ साथ। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो सेक्शन है वो है एस्टैब्लिशमेंट और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लीव के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ अ फैमिली मेंबर ऑफ अ कोविड पेशेंट वर्किंग इन रेलवे, देन ही और सी कैन अवेल स्पेशल सीएल अप टू डेज। कितने दिन की स्पेशल सीएल मिल सकती है अगर कोई फैमिली मेंबर कोविड पेशेंट है? तो 10 डेज, 15 डेज, 14 डेज और 12 डेज। तो देखिए, यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा, स्पेशल जो सीएल मिलती है वो 15 दिन की स्पेशल सीएल मिलती है। अभी जो कोरोना टाइम था वहां पर इस स्पेशल सीएल को बहुत ज्यादा यूज किया गया। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड लीव रूल। जो लीव रूल है वो हमारे चैनल पर एक लीव का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने सारी लीव को कवर किया हो, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर ये आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी, तो इसलिए आप उस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबरल लीव रूल, जिसमें हमने बताया कि लिबरल रूल जो है हमारे उदारीकरण, छुट्टी के उदारीकरण जो नियम है वो 1 फरवरी 1949, 1 फरवरी 1949 से लागू किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1949। मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हर एंटायर कैरियर इन केस ऑफ मिस कैरेज। यहाँ पर देखिए क्या बात की गई, मिस कैरेज की बात की गई है। तो मिस कैरेज की बात की गई है और एंटायर कैरियर यानी एंटायर सर्विस की बात की गई है। और किसकी बात की गई है? महिला कर्मचारी की बात की गई है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिए। तो उसको मैटर, यहाँ केवल मैटरनिटी लीव की बात नहीं हो रही है, मिस कैरेज के केस में बात हो रही है। तो मिस कैरेज के केस में महिला एम्प्लॉइज को 45 डेज की स्पेशल जो मैटरनिटी लीव है वो मिलती है, स्पेशल सीएल मैटरनिटी लीव मिलती है। ध्यान दीजिए, मैटरनिटी लीव दो प्रकार के, एक तो बच्चे का जन्म हो और दूसरा बच्चे का जन्म ना हो, मिस कैरेज हो जाए, तो उस केस में, मिस कैरेज होने के केस में पूरे सर्विस में महिला की पूरी जो रेल सेवा है उसमें केवल उसको 45 डेज की ही सीएल मैटरनिटी लीव मिलेगी। और अगर बात की जाएगी मैटरनिटी लीव कितनी मिलेगी, तो मैटरनिटी लीव जो मिलती है वो 180 डेज की मिलती है, 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, जो पहले 135 डेज की मिलती थी। इनिशियल में ये कितने डेज की मिलती थी, 135 डेज की जो मैटरनिटी लीव है वो 135 डेज की मिलती थी, जिसको एक्सटेंड किया गया 180 डेज। और ये एक्सटेंशन कब किया गया, इस एक्सटेंशन को किया गया 1 सितंबर 2008। इस तारीख को आप अच्छे से याद कर लीजिए, 1 सितंबर 2008 को ये एक्सटेंशन किया गया। ये तारीख आपको बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 1 सितंबर 1010908, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 सितंबर 2008। मैटरनिटी लीव की संख्या 135 से 180 दिन कर दी गई। मैटरनिटी लीव बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर दी जा सकती है। मैटरनिटी लीव अदर लीव के साथ मिलाकर अधिकतम 2 साल तक का पीरियड किया जा सकता है। मैटरनिटी लीव मैक्सिमम 2 साल तक कंबाइंड दूसरी लीव के साथ कंबाइंड करके इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये उस लीव के वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको अगर देख लेंगे तो ये इस वीडियो में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड इन वन स्पैन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव यानी जो हमारी ईयूएल होती है वो कितनी हो सकती है एक बार में, या अधिकतम कितने साल की हो सकती है? मैक्सिमम 5 ईयर की ये हमारी लीव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंटिन्यूस लीव दैट कैन बी दैट इज एडमिसिबल टू अ रेलवे सर्वेंट इन ईयर। एक रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितने साल की लगातार छुट्टी मिल सकती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 5 ईयर। 5 ईयर मैक्सिमम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलएनडी लीव नॉट ड्यू एंटायर सर्विस ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम। जो एलएनडी है वो कितनी किसी कर्मचारी को मिल सकती है? तो देखिए दोस्तों, जो लीव नॉट ड्यू जो छुट्टी है वो 360 डेज जो है किसी कर्मचारी को मिल सकती है, यानी 360 दिन की मिल सकती है। किस अकाउंट पर मिलेगी? ये मेडिकल सर्टिफिकेट के अकाउंट पर मिलेगी, यानी किसी कर्मचारी के पास कोई दूसरी छुट्टी नहीं है तो वहाँ पर लीव नॉट ड्यू जो छुट्टी है वो स्वीकृत की जा सकती है। ये किसके यहाँ पर स्वीकृत की जाती है? कि कर्मचारी को भविष्य में मिलने वाली LHAP जो छुट्टी है उसके आधार पर LND छुट्टी स्वीकृत की जाती है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अग्रिम LHAP के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल वेयर डिस्टेंस बिटवीन द न्यू स्टेशन टू वेयर ट्रांसफर एंड ओल्ड स्टेशन इज 2001 किलोमीटर। कितने दिन की ज्वाइनिंग टाइम छुट्टी मिलेगी? तो ज्वाइनिंग टाइम जो छुट्टी है इसके लिए मैं आपको फटाफट से पॉइंट बता देता हूँ कि 1000 किलोमीटर से अगर कम की डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर तक है, तो उसके इसमें ये 10 डेज की मिलेगी, यानी 1000 आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 1000 किलोमीटर तक की है। अगर 1000 से 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो उस केस में ये हो जाएगी हमारी 12 डेज हो जाएगी, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है तो वहाँ पर 15 डेज की मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलती है। अगर यही एयर ट्रैवल हो तो एयर ट्रैवल के केस में ये 12 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम के लिए एक और कंडीशन में बता देता हूँ कि दोनों स्टेशनों के बीच की जो
जो जो ट्रांसफर हो रहा है उनके बीच में 180 दिन का गैप जरूर होना चाहिए, तभी ज्वाइनिंग टाइम लीव मिल सकती है। यानी एक ट्रांसफर हुआ उसके बाद जब दूसरा ट्रांसफर हो रहा है तो उन दोनों के बीच में 180 दिन का ट्रांसफर अगर गैप रहेगा तो ही दोबारा ये छुट्टी मिलेगी। अन्यथा अगर गैप 180 डेज से कम का है तो पहली बार तो आपको मिल जाएगा बेनिफिट, लेकिन दूसरी बार इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिबरलाइज लीव रूल 1949 आर अवेलेबल। जो छुट्टी के उदारीकृत नियम है वो 1 फरवरी 1950 को लागू किए गए, तो ये इनको कहाँ पर किया गया, तो भारतीय रेलवे के कुछ मैनुअल्स दिए गए हैं। तो में से भारतीय रेलवे का जैसे यहाँ पर नाम दिया गया IRECC, इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मेन्यू वॉल्यूम 1 और उसका वॉल्यूम 2 और यहाँ पर वॉल्यूम 2 ईसी का, ठीक है। तो जो छुट्टी दी गई है वो ईसी इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड में दी गई है, उसके वॉल्यूम 1 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लिमिट ऑफ 22 ईयर इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ CCL हैज बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि CCL में डिसेबल चाइल्ड की बात की गई है और उसमें एज लिमिट बताया गया 22 ईयर, इस लिमिट को कब रिमूव कर दिया गया। तो ये जो लिमिट है, तो सबसे पहले मैं CCL की बात कर लूँ, उस वीडियो में हमने CCL को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो CCL जो है डिसेबल चाइल्ड के केस में मिलती है तो 40% से ज्यादा का जो पीरियड है, तो देखिए जो डिसेबल चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में ही उस बच्चे को डिसेबल माना जाएगा। और उसमें यहाँ पर लिमिट बताई गई कि उसकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 22 साल की लिमिट है ये कब रिमूव कर दी गई, पहले ये थी, अब इसको रिमूव कर दिया गया। अब किसी भी उम्र का डिसेबल चाइल्ड होगा तो उसको उसके लिए CCL डिमांड की जा सकती है। तो 1 जून 2018, 3 जून 2018, 23 जून 2018 और 13 जून 2018, तो इसका आंसर है 13 जून 2018। यहाँ से ये लिमिट हटा दी गई, 13 जून 2018 को ये जो एज लिमिट है ये हटा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CCL में नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड लेस देन आ टाइम। CCL जो है वो एक बार में कितने दिन तक है, तो इसका पहले ये 15 डेज हुआ करता था, इस लिमिट को भी हटाया गया और अब इसका आंसर है 5 डेज, 5 दिन की एक बार में CCL ली जाना है, 5 दिन से कम की CCL के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मिनिमम लिमिट हो गई। एन एम्प्लॉई इज अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी विद PMC अप टू 3 डेज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉई फर्निस अ डिक्लेरेशन दैट He or she had not suffered during this period from any disease। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज से वो पीड़ित नहीं रहा, PMC यानी प्राइमरी जो प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 3 दिन का जो दिया जाता है उसमें एक सर्टिफिकेशन रहता है कि उसको किसी प्रकार की आई डिजीज नहीं हुई है। CL कैन बी कंबाइंड, CL को कंबाइंड किया जा सकता है LAP के साथ बिल्कुल नहीं, LHP के साथ बिल्कुल नहीं, PL के साथ, पेटनेटी लीव के साथ बिल्कुल भी नहीं, NH के साथ इसको कंबाइंड किया जा सकता है, NH हो या रेस्ट हो उसके साथ CL कंबाइन की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन अ रेलवे स्कूल इज एंटाइटल्ड फॉर LHP इन क्वांटिटी ऑफ, यानी रेलवे स्कूल में काम करने वाला जो कर्मचारी है वो टीचर है, हेड प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, उनको LHP कितनी क्वांटिटी में मिलती है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 20 डेज LHP मिलती है। फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ CCL टू अ फीमेल और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट, यानी CCL चाइल्ड केयर लीव जो है इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफरिंग एनी एज ऑफ मिनिमम डिसेबिलिटी, अभी ऊपर मैंने आपको बताया 40% की मिनिमम डिसेबिलिटी होना जरूरी है। इन केस ऑफ द सिंगल फीमेल सर्वेंट फीमेल रेलवे सर्वेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेल, यानी CCL जो है वो एक साल में कितनी बार अप्लाई की जा सकती है। तो अगर फीमेल सिंगल, अगर सिंगल है यहाँ से हटा दें तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार, लेकिन अगर वो सिंगल फीमेल कर्मचारी है तो उसके लिए इसका आंसर रहेगा 6 टाइम, यानी एक साल में 6 बार सिंगल महिला कर्मचारी CCL के लिए अप्लाई कर सकती है और हर स्पेल में कम से कम उसको 5 डेज की CCL लेना कंपलसरी है, 5 दिन से 5 दिन से कम की CCL के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CCL द फीमेल ऑफ सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट शैल बी पेड ऑफ द सैलरी इफ शी अवेयर 360 डेज CCL, जो CCL है वो कितने दिन की मिलती है, तो CCL जो है वो अधिकतम 2 साल के लिए मिलती है। 2 साल में यहाँ पर बोला गया है कि जो महिला कर्मचारी है सिंगल मेल कर्मचारी उसने 366 दिन की CCL अवेल कर ली है, उसके बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इसका भी हमने उसमें वीडियो में बताया है। पहले साल है उसको 100% सैलरी मिलेगी और जैसे ही एक साल कंप्लीट हो गया 366 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको 80% सैलरी ही मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव यानी रिल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय विच लीव अंडर लिबरलाइज रूल, रिल ने कौन सी लीव को रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर है द हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंट इंजरी क्वारंटाइन लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड, तो इसका आंसर यही है, इस लीव को रिल ने रिप्लेस किया है। रेलवे सर्वेंट ऑन रेल अदर देन RPF RPSF शैल बी पेड फुल पे अलाउंस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कितने महीने तक का फुल पेड होता है, तो ये इसका आंसर है 6 महीने तक का फुल पेड किया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद पूरी सैलरी पे की जाती है। नेक्स्ट, व्हेन हॉस्पिटल लीव हैज ओमिटेड, ओमिटेड यानी हटा दी गई लीव रूल से हॉस्पिटल लीव, यानी पहले हॉस्पिटल लीव रेलवे में मानी जाती थी लेकिन अब इसको इस लीव को लीव के जो नियम है उससे हटा दिया गया, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, 13 दिसंबर 2018, 1 अप्रैल 2018, 14 दिसंबर 2018 और 12 अप्रैल 2018, तो इसका आंसर है 14 दिसंबर 2018, 14-12-2018 को हॉस्पिटल लीव जो है वो हटा दिया गया रेलवे नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉई प्रोसीडिंग ऑन स्टडी लीव आर एंटाइटल फॉर HRA मिलेगा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी सर्टिफिकेट एज पर एक्सटेंड रूल, यानी HRA लिया जा सकता है स्टडी लीव के दौरान विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सर्टिफिकेट, बिना कोई सर्टिफिकेट के, तो कितने दिन का लिया जा सकता है HRA, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा HRA जो लिया जा सकता है वो 120 डेज, 150 डेज, 130 डेज या 180 डेज, तो 180 डेज यानी कि 6 महीने का HRA बिना कोई सर्टिफिकेट
प्रोड्यूस किए हुए लिया जा सकता है। इज अ फीमेल एम्प्लॉइज हु हैज अटेंड टेंपरेरी स्टेटस इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। क्या टेंपरेरी स्टेटस वाले महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव दी जा सकती है? जी हाँ, मैटरनिटी लीव के लिए वो हकदार है। एनी इंटरप्रिटेशन इन द लिवराइज लीव रूल 1949 शुड कैरी द सैंक्शन ऑफ किसके द्वारा परमिशन हो सकती है? रेलवे बोर्ड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सीआर के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही परमिशन दी जा सकती है, उनके द्वारा सैंक्शन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ अन लीव मे बी सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ डेथ। इसका आंसर है कितने दिन का अन लीव सैंक्शन किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 300 डेज। हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड होलीडे द वर्कशॉप कैन अवेल? वर्कशॉप स्टाफ कितने होलीडे रेस्ट्रिक्टेड होलीडे अवेल कर सकता है? 10 डेज, 12 डेज, 7 डेज या फिर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कशॉप स्टाफ एक भी रेस्ट्रिक्टेड होलीडे अवेल नहीं कर सकता। व्हेन द मिनिमम पीरियड ऑफ द ग्रांटिंग 15 डेज सीसीएल हैज बीन रिमूव्ड। मैंने आपको बताया था कि सीसीएल में पहले 15 डेज की लिमिट थी, जिसको 5 दिन के लिए मिनिमम कर दिया गया कि एक बार में सीसीएल अगर आप ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको 5 दिन की छुट्टी लेनी कंपलसरी है। पहले ये 15 डेज हुआ करता था। तो इसका कब ये लिमिट चेंज कर दी गई? 16/5/2014, 15/6/2014, 6/5/2014 या 5 जून 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 2014 को ये लिमिट चेंज कर दी गई। नेक्स्ट, इन कैसमेंट ऑफ द लीव एडमिशन अंडर रूल 540A ऑफ R1 यानी 1985 एडिशन कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाई रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग। जो इनकेसमेंट है वो कब नहीं लिया जा सकता? इनकेसमेंट कब नहीं लिया जा सकता? सीसीएल के दौरान, एलएपी के दौरान, एलएचपी के दौरान, सीसीएल के दौरान। तो इनकेसमेंट जो है लीव इनकेसमेंट चाइल्ड के लीव के दौरान नहीं लिया जा सकता, कैन नॉट, नहीं लिया जा सकता। चाइल्ड के लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन स्पेल इन अ कैलेंडर ईयर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सीसीएल है वो एक साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर महिला सिंगल महिला कर्मचारी तो वो 6 बार उसके लिए अप्लाई कर सकती है। वैन चाइल्ड केयर लीव वाज इंट्रोड्यूस, चाइल्ड केयर लीव कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो चाइल्ड केयर लीव 1 सितंबर 2008 को इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये मैंने आपको तारीख बताया था कि इसको याद कर लीजिए, 1 सितंबर 2008 को सीसीएल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। हाउ मेनी डेज एलएपी इन अ ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय? एक साल में एम्प्लॉय को कितनी एलएपी मिलती है? तो इसका आंसर है 30 डेज, सभी को मालूम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी याद करके रखिए। अ फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर अ डेज। मैटरनिटी लीव कितने दिन की मिलती है? तो पहले ये 135 डेज की हुआ करती थी और अब इसको बढ़ाकर 180 डेज कर दिया गया। ऐसा कब किया गया? तो 1 सितंबर 2008 को ये चेंज किया गया कि 135 से 180 डेज की मैटरनिटी लीव कर दी गई। इसको भी आप याद रखिए कि ये जो अमेंडमेंट हुआ 135 से 180 दिन को 1 सितंबर 2008 को किया गया। नेक्स्ट, चाइल्ड अडॉप्शन लीव टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस। चाइल्ड अडॉप्शन लीव कब इंट्रोड्यूस की गई? तो चाइल्ड अडॉप्शन जो लीव है इसको कब रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी देखिए। इसके ऑप्शन देखते हैं, 8 मई 2006, 18/5/2006, 5/8/2006, 15/8/2006। तो चाइल्ड देखिए 18 मई 2006 इसका करेक्ट आंसर है, 18 मई 2006 को, 18/5/2006 को चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो फीमेल ये जो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इसको भी याद रखिए। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ 60 डेज स्पेशल लीव एडमिशन टू अ फीमेल एग्रीड रेलवे एम्प्लॉइज ऑन हैरेसमेंट ऑफ द ICC अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। कितने 60 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी फीमेल कर्मचारी को सेक्सुअल अंडर? तो ये कब से ऐसा नियम आया? 1/5/2017, 13/5/2017, 15/5/2017, 15/3/2017। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/3/2017 यानी 15 मार्च 2017 से 60 दिन की स्पेशल स्पेशल लीव का प्रोविजन किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में महिला कर्मचारी को। चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर फीमेल सिंगल मेल ऑब्लिक सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एक्सेप्ट डिसेबल ऑफरिंग बिलो द एज ऑफ, यानी अगर बच्चा डिसेबल नहीं है तो उस केस में लिमिट लगी हुई है। तो कितनी लिमिट है वो? 18, 22, 20, 25। तो देखिए, डिसेबल केस में 22 साल की लिमिट थी पहले, जिसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और जो बिना डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए सीसीएल जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने चाहिए, उनके लिए सीसीएल डिमांड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड एडॉप्शन लीव टू फीमेल सर्वेंट हैज बीन एनहेंस फ्रॉम 135 टू 180 डेज। तो देखिए, जैसे मैटरनिटी लीव 135 डेज से 180 डेज के लिए, इसी तरह से चाइल्ड अडॉप्शन लीव को भी एनहेंस किया गया 135 दिन से 180 दिन। तो ये कब किया गया? इसको भी 11 सितंबर 2009, इसका जो देखिए 9 नवंबर 2009, 11/9/2009, 1/9/2009, 1/9/2008, तो 11 सितंबर 2009 को ये एनहेंसमेंट किया गया। जबकि जो मैटरनिटी लीव थी वो 1 सितंबर 2008 को, मैटरनिटी लीव में कब इंक्रीमेंट किया गया था? 1 सितंबर यानी 1/9/2008 को किया गया, जबकि चाइल्ड एडॉप्शन लीव में 11/9/2009 को एनहेंसमेंट किया गया। इन केस में एल ए पी अप टू 10 डेज एट अ टाइम व्हाइल अवेलिंग पास विद कैरीज इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था, इसको याद रखिए, 1/9/2008 यानी 1 सितंबर 2008। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, 1 सितंबर 2008 को इनकेसमेंट एल ए पी का इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें 10 डेज की एक बार में और पास वीडियो के साथ अवेल करने पर ये होगा। मैक्सिमम एल ए पी दैट कैन बी इन कैश वाइल अवेलिंग पास वीडियो इन एंटायर कैरियर, एंटायर कैरियर में बात की जाए तो एंटायर कैरियर में 60 दिन की जो इनकेसमेंट है एलएपी वो की जा सकती है, एक बार में 10 यानी 6 बार हम पूरे कैरियर में इनकेसमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनिटी लीव ऑफ फीमेल रेलवे सर्वेंट इन हैंड्स फ्रॉम 135 डेज टू 180 डेज, मैंने आपको पहले बता दिया 1 सितंबर 2008 इसका आंसर हो जाएगा। मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू अ मेल सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड। पैटर्निटी लीव कितने दिन की मिलती है? तो पैटर्निटी लीव जो है 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। पैटर्निटी लीव कैन बी अप्लाइड फॉर अ मेल रेलवे सर्वेंट फॉर अ पीरियड 15 डेज बिफोर और अप टू
मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड आफ्टर विच इट इज लैप्स्ड, यानी जो मैटरनिटी लीव है वो बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर लेनी होती है, वरना ये लैप्स्ड हो जाती है, यानी अपने आप खत्म हो जाती है अगर इसको नहीं लेते हैं तो। चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट कैन बी ग्रांटेड अप टू, चाइल्ड केयर लीव कितने दिन की मिल सकती है, चाइल्ड केयर लीव जो है CCL जो है वो 730 दिन, यानी 2 साल की CCL मिलती है, मैक्सिमम 2 साल की CCL मिलती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP दैट कैन बी एक्यूमुलेट, LAP कितनी एंटायर सर्विस में किया सकती है, तो 180 दिन, 180 दिन, 190 दिन, 300 दिन, 303 की LAP एक्यूमुलेट किया सकती है, जबकि LHAP जो है वो अनलिमिटेड संख्या में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। LAP जो है वो पर डे पर मंथ के हिसाब से कितनी मिलती है, तो 2.5 LAP पर मंथ के हिसाब से मिलती है। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेट, अभी मैंने बताया कि पूरे सर्विस में LAP तो 300 किया सकती है, जबकि LHAP जो है वो अनलिमिटेड किया सकती है, उसका आपसे हो जाएगा अनलिमिटेड। अब व्हाट लीव मैटरनिटी लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव, मैटरनिटी लीव दूसरी लीव के साथ कंबाइन करके अधिकतम 2 साल तक ली जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। ट्रेड अप्रेंटिस कैन बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टिपेंड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ट्रेड अप्रेंटिस को फुल स्टिपेंड पर कितने दिन की CL दी जा सकती है, छुट्टी दी जा सकती है, तो फुल स्टिपेंड पर पूरा स्टिपेंड मिलने पर 12 दिन की, अगर हाफ स्टिपेंड होगा ये 15 दिन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, आधा स्टिपेंड मिलने पर, ठीक है, और अगर पूरा स्टिपेंड मिल रहा है तो उसमें 12 डेज हो जाएगी। इसी तरह से देखिए कि भाई अप्रेंटिस मैकेनिक्स भी है, अप्रेंटिस मैकेनिक्स के केस में अगर पूरा पेमेंट ले रहा है तो पूरे के केस में हो जाएगा ये 16 दिन, और अगर वो हाफ लेगा स्टिपेंड तो उस केस में हो जाएगा 20 डेज, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर तो देखिए आप ट्रेड अप्रेंटिस फुल पे तो ले जाएगा 12 दिन, और अगर हाफ स्टिपेंड लेता है तो हो जाएगा 15 डेज। तो यहाँ पर देखिए डी वन हाफ स्टिल बात हो रही है, मेडिकल सर्विस पे कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डेज, और इस वाले का आंसर हो जाएगा 12 डेज, ठीक है। अप्रेंटिस मैकेनिक्स की वर्कशॉप में वर्क कर रहा है तो ग्रांटेड हाफ फुल स्टिपेंड पर कितना मिलेगा, फुल स्टिपेंड पर 16 डेज, और अगर हाफ स्टिपेंड होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप कैन ग्रांटेड अ लीव ऑन हाफ स्टिपेंड की बात हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डेज। लीव कैन दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इफ नो अदर लीव इज एडमिशन, नो कोई भी अगर लीव नहीं रहती तो उस केस में एम्प्लॉई को कौन सी लीव दी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट की जाती है इफ अप्लाइड फॉर और रिटन, अगर उसके पास कोई छुट्टी नहीं बची है या फिर अगर बची है और वो रिटन में मांग रहा है तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जैसे लीव विदाउट पे भी बोला जाता है वो ग्रांट की जाती है। मैक्सिमम इन्केसमेंट ऑफ द लीव कितने हो सकता है, 300 डेज का मैक्सिमम इन्केसमेंट हो सकता है। एलएपी कैन बी कंबाइंड विद वैकेशन इन केस ऑफ, वैकेशन किसको दिया जाता है, वैकेशन मिलता है स्कूल स्टाफ को, तो यहाँ पर देखिए रनिंग स्टाफ नहीं होगा, ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है, किसके लिए होगा, रेलवे स्कूल स्टाफ का आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम एलएपी दैट कैन बी ग्रांटेड एट अ टाइम टू अ रेलवे सर्वेंट सैलरी, मैक्सिमम एलएपी कितनी ग्रांट की जा सकती है एक बार में, तो वो हो जाएगा इसका आंसर 180 डेज। या आप इनको बिल्कुल एकदम रट के बैठिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पैटनेटली इज एडमिसिबल टू, पैटनेटली किसको मिलती है, कैजुअल लेवल विद टेम्परेरी स्टेटस, कैजुअल लेवल स्क्रीम्ड कैजुअल लेवल नन ऑफ द, तो कैजुअल लेवल जो टेम्परेरी दर्जा जिनको दिया गया है उनको ये छुट्टी मिल जाती है, पैटनेटली उनको मिल जाती है। स्टाफ विच रेलवे आर एंटाइटल टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल, किस जोन के स्टाफ को एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मिलते हैं, SER, ECOR, ECR या NFR, तो इसका आंसर हो जाएगा NFR, NFR को ये छुट्टी है वो मिलती है, एक्स्ट्रा CL मिल सकती है। कैजुअल लीव टू दैट कैटेगरी ऑफ स्टाफ रिड्यूस फ्रॉम 11 हु वर एलिजिबल अर्लियर एलिजिबल 15 डेज, यानी 15 डेज की पहले छुट्टी मिलती थी, अब उसको क्या कर दिया गया 10 डेज की CL में चेंज कर दिया गया, तो ये कब से किया गया, तो इसका आंसर है 1/1999 से ये इसका चेंज किया गया, तो आंसर है 1/1999। टू हूम इस कंपलसरी कैजुअल लीव एडमिशन, यानी इस कंपलसरी कैजुअल लीव जिसे CR बोला जाता है किसको एडमिशन, सुपरवाइजर स्टाफ बिल्कुल भी नहीं, ग्रुप डी स्टाफ बिल्कुल है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ बट नॉट सुपरवाइजर कॉन्फिडेंशियल आर्टिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ बट नॉट सुपरवाइजर। वन टाइम लीव इज एडमिशन फॉर क्रॉनिक डिजीज विद विड्रॉन आई डिजीज और वाइफ सिकनेस, तो इसको वन टाइम लीव को अब यहाँ से विड्रॉन कर दिया गया, यानी वन टाइम लीव अब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव लीव इज एडमिशन, कॉम्पिटेटिव लीव एडमिशन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, मेडिकल सर्टिफिकेट विद रिक्वेस्ट नन ऑफ द लीव, तो इसके लिए कमिट कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए एप्लीकेशन भी देना जरूरी है। हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड टू अ नॉन रेजिडेंट रेलवे सर्वेंट शुड नॉट एक्सीड अ टोटल नंबर ऑफ मंथ, हॉस्पिटल लीव जो है नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय के लिए 28 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर है 28 डेज। कंपिटेंट अथॉरिटी टू सेंशन एलएपी टू अ सीनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर की एलएपी कौन सेंशन कर सकता है, तो देखिए SAG, GM, PHOD या रेलवे बोर्ड, इसका आंसर हो जाएगा SAG, क्योंकि देखिए सीनियर स्केल के जस्ट ऊपर कौन होता है, जो है वो जूनियर स्केल होता है और उसके ऊपर होता है सीनियर स्केल, तो जो सीनियर स्केल ऑफिसर है वो SAG उसकी लीव जो है वो स्वीकृत करेगा, ठीक है, ऑफिसर स्वीकृत करेगा। एंड सीनियर स्केल ऑफिसर होल्डिंग इंडिपेंडेंस चार्ज, एक सीनियर स्केल ऑफिसर जो इंडिपेंडेंस चार्ज होल्ड करता है इन पावर टू सेंशन, कितने दिन की वो एलएपी या एचएपी स्वीकृत कर सकता है विद इन इंडिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, उसके अंदर में जो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन उसकी पावर है, उसकी कैपेसिटी कितनी की है, तो वो जो है सीनियर स्केल जो ऑफिसर है वो 30 डेज की, सीनियर स्केल ऑफिसर जो है वो 30 डेज की जो CL है, CL बोले हैं या हम LHAP बोले हैं, उसको स्वीकृत कर सकता है, कितने दिन की कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज। और अगर यही हमारा हो जाए
ये अगर हमारा हो जाए जूनियर स्केल, एक्चुअली में सॉरी मैं यहाँ गलत बता गया, ये जो है सीनियर स्केल के लिए बात हो रही है, तो सीनियर स्केल जो है वो कितने दिन के लिए कर सकता है, सीनियर स्केल जो करेगा वो करेगा 45 डेज की, और अगर ये जूनियर स्केल होगा तो जूनियर स्केल उससे नीचे होता है तो वो 30 डेज की कर सकता है। ये 30 डेज कौन कर सकता है, तो जूनियर स्केल कर सकता है, यानी 30 डेज की कौन करेगा, ये करेगा जूनियर स्केल और ये करेगा सीनियर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन इनकैशमेंट ऑफ एलएपी व्हाइल इन सर्विस इन केस ऑफ गजेटेड ऑफिसर, यानी सर्विस में रहते हुए लीव इनकैशमेंट के लिए मिनिमम अथॉरिटी क्या है, किसकी, गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर के लिए जूनियर स्केल एडमिशन, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो है जेईई से बोला जाता है वो मिनिमम अथॉरिटी हो जाएगा, उसके ऊपर तो एसजी हो जाएगा, जो ये सब सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो अथॉरिटी है वो जेईई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन लीव आउट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर की जो कि स्टडी लीव है वो आउट ऑफ इंडिया सेंशन करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PHOD। ठीक है, अथॉरिटी कंपिटेंट टू सेंशन स्टडी लीव टू अ गजेटेड ऑफिसर एक्स इंडिया, गजेटेड ऑफिसर की एक्स इंडिया लीव यानी आउटसाइड इंडिया करनी है तो उसके लिए रेलवे बोर्ड करेगा। अथॉरिटी कंपिटेंट टू सेंशन स्टडी लीव टू अ गजेटेड ऑफिसर विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कर सकता है, PHOD करेगा। सीनियर सुपरवाइजर एलिजिबल फॉर ग्रुप इज अप टू प्री रिवाइज पे स्केल और अबव आर अथॉरिटी टू सेंशन सीएल एससीएल विद डिसेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ की जो छुट्टी है सीएल एससीएल वो कॉन्फिगर कर सकता है 4200-2200, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसे 4200 ग्रेड पे दिया गया वो उसकी स्वीकृत कर सकता है। नेक्स्ट, मिनिमम अथॉरिटी टू सेंशन एलएपी एलएचपी अप टू 30 डेज तक की नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ की जो एलएपी है एलएचपी है वो कौन स्वीकृत कर सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये हो जाएगा इसका जूनियर स्केल हो जाएगा, और अगर 45 डेज है तो वो हो जाएगा सीनियर स्केल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन एलएपी एलएचपी 45 डेज नॉन रजिस्टर्ड पे तो हो जाएगा इसका सीनियर स्केल। सीनियर सुपरवाइजर एक्सेप्ट ऑफिस स्टाफ एलिजिबल फॉर जीपी ग्रेड पे अप टू 4200 प्री रिवाइज है और एवर आर ऑथराइज्ड टू सैंक्शन एलएपी एलएचपी अप टू कितने दिन तक स्वीकृत कर सकता है, तो 15 दिन की जो सीएल एलएपी है या एलएचपी है उसको स्वीकृत कर सकता है ग्रुप सी स्टाफ या ग्रुप डी स्टाफ की जो उसके अंदर वर्क कर रहा है, यानी जो जेई है या एसएससी है वो अपने नीचे वर्क करने वाले ग्रुप सी या ग्रुप डी स्टाफ की 15 दिन की एलएपी या एलएचपी सैंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सेंशन ऑफ स्टडी लीव टू अ नॉन रेस्टेड एम्प्लॉई, नॉन रेस्टेड एम्प्लॉई वर्किंग इन अ डिवीजन यूनिट, ठीक है, डिवीजन यूनिट में काम कर रहा है तो डिवीजन का बॉस कौन होता है, डीआरएम होता है, तो उसकी स्टडी डीआरएम के द्वारा सेंशन हो जाएगी। अथॉरिटी कंपिटेंट टू एक्स इंडिया लीव यानी आउटसाइड इंडिया का नॉन रेस्टेड एम्प्लॉई सर्विस वर्किंग इन ऑर्डर डिवीजन वर्कशॉप, तो इसमें क्या हो जाएगा, पीएचओडी हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है तो पीएचओडी उसकी सेंशन करेगा आउटसाइड इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सीडब्ल्यूएम इज कंपिटेंट टू सेंशन एक्स इंडिया लीव नॉन रेस्टेड एम्प्लॉई की कितने दिन की तक स्वीकृत कर सकता है, तो ये हो जाएगा 2 साल, स्टडी लीव जो है वो 2 साल की सेंशन टू एक्स इंडिया लीव टू नॉन रेस्टेड एम्प्लॉई वर्किंग इन वर्कशॉप 2 साल की स्टडी लीव स्वीकृत कर सकता है। अब टू हाउ मेनी ओकेजन कैन वर्कशॉप स्टाफ कैन बी ग्रांटेड हाफ डे एलएपी एलएडपी कितने ओकेजन के ले सकता है, तो 10, 4, 6, तो इसका आंसर 6 ओकेजन पर वर्कशॉप स्टाफ हाफ एलएपी ले सकता है पूरे एक साल में। व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन टू रेल, मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया गया, मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम दिया गया 15 दिन का दिया गया है। अंडर प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स अ मेल रेलवे एम्प्लॉई इज एंटाइटेड टू गेट स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव का मिलेगी, स्पेशल सेल का मिलेगी और अंडरगोइंग वैसेक्टोमी, तो देखिए वैसेक्टोमी ऑपरेशन किसका होता है, वैसेक्टोमी ऑपरेशन में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है उसमें दो तरह के हम वैसे तो चार केसेज में स्पेशल सेल मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे दो केस की बात करेंगे, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिला कर्मचारी का होता है, वैसेक्टोमी जो होता है वो पुरुष कर्मचारी होता है, यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो महिला नसबंदी जो महिला के लिए किया जाता है उस केस में, अगर वो महिला का ऑपरेशन हो रहा है, महिला की नसबंदी हो रही है, तो उस केस में महिला कर्मचारी को 14 दिन की स्पेशल सीएल मिलेगी, यानी इस 14 डेज में ऑप्शन लिखा हुआ है ये कब होगा, महिला कर्मचारी को मिलेगा, कब मिलेगा, जब उसका ऑपरेशन हो, कौन सा, ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन, यानी महिला को, स्वयं महिला को मिलेगा ये। ठीक है, अब महिला का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो रेलवे एम्प्लॉई है, ठीक है, तो रेलवे एम्प्लॉई अपनी पत्नी की देखभाल के लिए भी छुट्टी ले सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन कराया है, तो उसकी देखभाल के लिए पुरुष कर्मचारी छुट्टी ले सकता है, स्पेशल सीए ले सकता है, वो कितने दिन की मिलेगी, तो उस केस में उस पुरुष कर्मचारी को मिलेगी 7 दिन की मिलेगी, किसको मिलेगी, पुरुष कर्मचारी को मिलेगी। ये कब मिलेगी, जब उसकी पत्नी ने ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन कराया है, तो अगर महिला कर्मचारी रेल कर्मचारी है तो वो अपने लिए डिमांड करेगी, तो उसको तो मिल जाएगी 14 दिन की, लेकिन अगर महिला कर्मचारी रेल कर्मचारी ना होगा, उसका पुरुष उसका हस्बैंड भी रेल कर्मचारी है, तो वो अपनी पत्नी की देखभाल के लिए 7 दिन की स्पेशल सीएल ले सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, ये तो मैंने आपको बताया ट्यूबेक्टोमी का, अगर यहाँ पर बात हो रही है वैसेक्टोमी ऑपरेशन की, तो वैसेक्टोमी का मतलब है पुरुष नसबंदी के केस में पुरुष कर्मचारी को 6 दिन की स्पेशल सीएल दी जाती है। अब यही केस अगर पुरुष कर्मचारी ने अपनी नसबंदी कराई है और उसकी पत्नी महिला जो पत्नी है वो रेल कर्मचारी है, तो वो अपनी पति की देखभाल के लिए कितने दिन की स्पेशल सीएल ले सकते हैं, तो उस केस में उसकी पत्नी को केवल 1 दिन की स्पेशल सीएल दी जाती है, वो भी किस दिन दी जाएगी, जिस दिन उसके पति ने उसका अपना बेसिक टॉमी ऑपरेशन कराया हुआ है, उस दिन उसकी पत्नी को जो है वो 1 दिन की स्पेशल सीएल मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि
ऑपरेशन फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के ऑपरेशन के लिए, यानी बेसिक फॉर्म ऑपरेशन पुरुष का होगा, तो पुरुष को स्वयं के ऑपरेशन के कितने दिन की मिल जाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा 6 डेज। अगर यही महिला मांगती तो उसको कितना मिलेगा, अ मेल रेल सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर डेज स्पेशल कैजुअल लीव अटेंड हिज वाइफ। देखिए यहाँ पर अपनी पत्नी हु हैज अंडरगोन फ्यूअर कमी ऑपरेशन आफ्टर एमटीपी, एमटीपी के पश्चात तीव्र कमी ऑपरेशन कराया है महिला ने, और उसका पति उसके ब्याह पर छुट्टी मांग रहा है क्योंकि वो विलेप कर्मचारी है, तो कितने दिन की मिलेगी, तो मैंने आपको आंसर बताया है कि इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, अ फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर एससीएल नॉट एक्सीडिंग डेज फॉर अंडरगोइंग तीव्र कमी ऑपरेशन फॉर द सेकंड टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार अगर तीव्र कमी ऑपरेशन जो है अगर फेल हो जाता है तो दोबारा अगर ऑपरेशन कराते हैं तो देखिए पहली बार अगर कराया था तो पहली बार भी मिलेगा, ठीक है, पहली बार फेल हो गया दोबारा से कराएंगे तो भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, तो यहाँ पर कितने दिन का मिलेगा इसकी बात होगी, तो इसका मैंने आपको बताया कि महिला कर्मचारी को 14 दिन का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अ फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर एससीएल फॉर टेक केयर ऑफ हस्बैंड, अपने हस्बैंड की देखभाल के लिए, हु हैज अंडरगोन वैसेक्टोमी ऑपरेशन, यानी पुरुष कर्मचारी ने वैसेक्टोमी कराया है और उसकी पत्नी स्पेशल सीएल की डिमांड करी, तो उसको कितने दिन का मिलेगा, 1 दिन का मिलेगा, जिस दिन पुरुष कर्मचारी ने नसबंदी कराई उस दिन का मिलेगा, ठीक है। रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर 21 डेज एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड प्लस 2 एंड 4 जर्नी टाइम फॉर एससीएल फॉर अंडरगोइंग द ऑपरेशन अंडर द फैमिली वेलफेयर नॉर्म्स। अब देखिए दो तरह के ऑपरेशन मैंने बता दी, तीसरा ऑपरेशन यहाँ पर बताया गया है तो वो है डीकैनलाइजेशन। डीकैनलाइजेशन ऑपरेशन में पुरुष जो कर्मचारी है, मतलब जो कर्मचारी है उसको 21 दिन की स्पेशल सीएल दी जाती है, या फिर जितने दिन भी वो हॉस्पिटलाइज रहा है, अगर मान लो किसी वजह से ऑपरेशन जो है ऑपरेशन की जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होता है, जितने दिन भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा उस पूरे दिन का स्पेशल सीएल मिलेगा उस कर्मचारी को डीकैनलाइजेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट अप टू 10 डेज एससीएल बी सैंक्शन इन स्पोर्ट इवेंट, स्पोर्ट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट हो चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, तो उसमें मैक्सिमम सीएल जो है वो 90 डेज की स्पेशल सीएल मिलती है। एज ए स्पेशल केस पीरियड ऑफ एससीएल इन एक्सेस ऑफ डेज कैन बी कन्वर्टेड टू अ कंबाइंड रेगुलर लीव इन केस ऑफ ट्रैकिंग एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड बाय द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो ट्रैकिंग के केस में कितने दिन की मिलती है, ट्रैकिंग केस में ये 30 डेज की जो छुट्टी है वो यहाँ पर मिलती है। कंपिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एससीएल फॉर बंद कर्फ्यू के दौरान या कोई दूसरा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके दौरान स्पेशल सीएल कौन दे सकता है, तो स्पेशल सीएल उस दौरान जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे सकता है, एचओडी दे सकता है। एससीएल इज मेंटेड टू एम्प्लॉय हु रिसाइड अ प्लेस वी पोलिंग डे, यानी पोलिंग यानी जब चुनाव की बात होती है तो वहाँ पर एक दिन की एक्स्ट्रा स्पेशल सीएल मिलती है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव एडमिशन इन कैलेंडर फॉर स्काउटिंग, स्काउटिंग एक्टिविटीज के लिए कितने दिन की जो छुट्टी है वो मिल सकती है, स्काउटिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो 30 डेज की स्पेशल सीएल मिलती है, 30 दिन तक की स्पेशल सीएल मिल जाती है। एससीएल इज ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ अटेंडिंग जेसीएम, जेसीएम की मीटिंग अटेंड करने के लिए 1 साल में 6 दिन, नॉट मोर देन 5 डेज, तो इसका आंसर नॉट मोर देन 5 दिन से ज्यादा की जो है 1 साल में जेसीएम मीटिंग अटेंड करने के लिए छुट्टी मिलती है। अ काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर सेंशन कैन बी अल्टर्ड कन्वर्टेड एट द रेटेड रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉई ज्वाइन ड्यूटी, यानी कोई किसी कर्मचारी ने कोई छुट्टी ली, मान लीजिए उसने एलईपी ली है और वो छुट्टी को चेंज कराना चाहता है, तो कितने दिन के बाद वो रिटन कितने दिनों के अंदर लिखित आवेदन देकर वो उस छुट्टी के प्रकार को चेंज करा सकता है, तो इसके जो टाइम पीरियड दिया गया 30 दिन, 30 दिन के टाइम पीरियड में कोई भी कर्मचारी द्वारा जो दी गई छुट्टी है उसको लिखित आवेदन से चेंज करवा सकता है। मान लीजिए उसने एलईपी ली थी, 2 दिन की एलईपी ली थी, जब कुछ ड्यूटी ज्वाइन करता है उसके बाद उसने बोला कि नहीं मुझे सीएल लेनी है, तो एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मेरी एलईपी की जगह सीएल लगा दी जाए, तो वो जो पीरियड होगा 30 दिन का पीरियड होगा कि 30 दिन के अंदर उसको ऐसा करना होगा, तभी छुट्टी अल्टर्ड होगी। नेक्स्ट, अ रेलवे सर्वेंट ऑन लीव मे नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन कैजुअल लिटरेरी वर्क और सिमिलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ, किसकी सैंक्शन के द्वारा हो सकता है, अगर वो कोई वर्क करता है रेलवे बोर्ड जीएम पीएचओडी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट सभी शर्मा है तो उनकी अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी हम कोई अदर वर्क कर सकते हैं। If an employee is on EOL, absent from duty during previous half year, पहले आधे साल में जो EOL होता है, absent होता है duty, is the credit of LAP in next half year, अगले half year में जो LAP का credit वो कितना हो जाएगा of the period, जितना भी दिन वो absent रहा उसका 110, उसका 110 करेंगे उतने दिन की, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी 60 दिन के लिए absent रहता है तो 60 दिन का 110 करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा, तो आगे जो 1 जुलाई को या 1 जनवरी को उसको जो एलईपी क्रेडिट 15 डेज की एलईपी क्रेडिट होती उसमें से 6 एलईपी माइनस होगी, यानी 9 एलईपी ही उसको उसके खाते में क्रेडिट होगी, तो ये कितने दिन की कटौती हो सकती है, मैक्सिमम 15 डेज की कटौती हो सकती है। पीरियड एब्सेंस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 15 डेज इन 1 हाफ ईयर, यानी अगर पूरे आधे साल यानी 180 दिन एब्सेंट रहता है तो 180 का 1/10 करेंगे तो 18 डेज आ जाएगा, तो 18 डेज की एलईपी तो कट नहीं सकती क्योंकि नेक्स्ट उसमें कितनी मिलती है एलईपी 15 डेज ही मिलती है, तो यहाँ पर 15 डेज की लिमिट लगा रखी है, ठीक है। इफ अ रेलवे सर्वेंट सर्विंग इन अ रेलवे स्कूल इन, तो देखिए जो ऊपर कंडीशन बताएगी वो नॉर्मल एम्प्लॉय की बताएगी, लेकिन अगर वो कर्मचारी रेलवे स्कूल में कर रहा है, यानी टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, तो उसको जो एलईपी है वो 5 डेज मिलती है, यानी 1 जनवरी को 5 एलईपी मिलेगी और 1 जुलाई को मिलेगी। अब जब उसको टोटल 1 साल में 10 एलईपी ही मिलनी है, तो यानी 6 महीने में 5 मिलेगी, तो अब उसका डिडक्शन कैसे होगा, अगर वो पहले आधे साल फर्स्ट हाफ ईयर में एब्सेंट हो जाता है, ईयर हो जाता है, तब उसके लिए नियम हो जाएगा, तो 110 का नियम था वो 130 का हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 डेज तक की इसमें कटौती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं,
90 क्रेडिट ऑफ एलएपी टू अ स्कूल टीचर अपॉइंटेड। देखिए मैंने आपको बताया कितनी क्रेडिट होती है, 5 फर्स्ट जनवरी को, 5 1 जुलाई को। तो अगर हम महीने का छः महीने का निकालें तो 6 महीने में कितनी मिल रही है, 5 एलएपी ही मिल रही है। ठीक है, 6 महीने में 5 एलएपी मिल रही है तो 1 महीने में कितनी मिल जाएगी, 5/6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5/6। द अमाउंट ऑफ एल एच ए बी दैट कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल, ठीक है, कमांड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव और नॉट सेल बी लिमिटेड। जो एल ए पी एल एच ए पी है वो दूसरी छुट्टी के साथ मिला के कितना हो सकती है, तो इसके लिए जो बोला गया है देखिए वो कितनी है, मंथ की बात हो रही है तो 24 मंथ यानी 2 साल मैक्सिमम जो है वो छुट्टी एल एच ए पी हम कंबाइन कर सकते हैं दूसरी छुट्टी के साथ। नेक्स्ट, इफ अ रेलवे एम्प्लॉई इज ई ओ एल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग प्रीवियस हाफ ईयर द क्रेडिट ऑफ एल एच ए पी। तो देखिए एल ए पी जो क्रेडिट थी एलएपी के लिए जो रूल था 110 था और मैक्सिमम लिमिट लगी थी 15 दिन से ज्यादा कट ऑफ नहीं हो सकती, यहाँ पर जो हो जाएगा 110 की जगह हो जाएगा 180 यानी 1/18 जितने दिन भी एबसेंट रहा, मान लीजिए वो 180 दिन पूरा एबसेंट रहता है तो इसका 1/18 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा यानी वो 10 डेज। अब एलएपी कितनी मिलती है 6 महीने के लिए तो 10 मिलती है तो 10 पूरी की पूरी एलएपी उसको कट जाएंगे यानी अगली जो डेट ऑफ क्रेडिट है चाहे वो 1 जनवरी हो या 1 जुलाई हो उस दिन उसको एक भी एलएपी एलएचएपी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो पूरे पिछले 6 महीने पूरा एब्सेंट रहता है या यूएल रहता है तो यहाँ पर देखिए एलएचएपी का जो केस है उसमें 1/18 उसका करना होगा, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर भी 10 डेज है। ठीक है, 93 स्पेशल पे ग्रांटेड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाफ बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द लीव सैलरी। ठीक है, तो स्पेशल पे ग्रांट टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाफ सेल बी टेकन इनटू अकाउंट, सेल बी टेकन इनटू अकाउंट उसको अकाउंट में मतलब कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनकैशमेंट ऑफ एलएचएपी विद एलएपी। देखिए इनकैशमेंट होगा सर्विस के दौरान जो होगा वो 6 बार करा सकते हैं 10 दिन 10 डेज की एलएपी और आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर कब की बात की गई, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की बात की गई है। अगर किसी कर्मचारी खाते में एलएपी जो है वो 300 से कम है, मान लीजिए कि उसके खाते में 200 ही एलएपी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी इसमें सर्विस की गई है कि उसके अगर पास एलएचपी भी है तो एलएचपी जितनी होंगी, मान लीजिए उसके एलएचपी भी 200 है और 200 एलएपी है तो 200 एलएचपी में से 100 एलएचपी सीएल में जुड़ के वो 300 बन जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पैसे की बात होगा, क्योंकि एलएचपी को हाफ दो एलएचपी को मिला के 1 डेज पे बनती है तो जब उनको हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो 200+200 किया जाएगा तो 100 तो 100 ऐड किए जाएंगे तो 100 का हाफ करना पड़ेगा 10-50 डेज का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट लगाई है 300 डेज यानी उसमें एलएपी और एलएचएपी को कंबाइन करने की, ये कब से स्टार्ट किया गया, तो ये जो है इसका देखिए स्टार्टमेंट है 1/1/2006 से एलएपी अगर कम पड़ रही है तो उसमें एलएचएपी को ऐड करके 300 डेज बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करते हैं, पीरियड ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड फॉर रेलवे सर्वेंट वेदर इंटेंशनली इन्फ्लेक्टेड ड्यू टू परमानेंट और ऑफिशियल ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड। जो डिसेबिलिटी है मैक्सिमम डिसेबिलिटी उसमें कितना हो सकती है, 28 महीने से ज्यादा की स्पेशल डिसेबिलिटी जो है वो लीव नहीं ग्रांट हो सकती है। 96 की बात करते हैं, द पीरियड ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी सैंक्शन, ठीक है, फॉर पीजी और मेडिसिन के लिए अगर स्टडी लीव ले रहे हैं तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना तो 36 मंथ की स्टडी लीव ग्रांट की जाती है। एम्प्लॉई विद डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर डेज एडिशनल सीएल इन अ कैलेंडर ईयर। डिसेबल्ड पर्सन को कितने दिन की एक्स्ट्रा सीएल दी जाती है, तो देखिए यहाँ पर 4 डेज तो इसका आंसर है 4 डेज, 4 दिन की एक्स्ट्रा सीएल डिसेबल्ड व्यक्ति को दी जाती है। दिव्यांग पर्सन अगर रेलवे एम्प्लॉइज है तो उसको 4 दिन की एक्स्ट्रा सीएल दी जाती है। अगर उसको 8 सीएल जनरली जहाँ वो वर्क कर रहा है अगर वर्कशॉप स्टाफ है तो 8 सीएल मिलेगी और 4 एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 12 हो जाएगी और अगर वो लाइफ लाइन है स्टाफ 4 डेज सीएल टू सेंक्शन टू एससीएल यानी स्पेशल कैजुअलिटी टू रेलवे एम्प्लॉई विद डिसेबिलिटी केम इनटू इफेक्ट। कब से शामिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 1 सितंबर 2008, ये डेट मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है 1 सितंबर 2008 को 8 से डिसेबल्ड पर्सन को 4 एक्स्ट्रा कैजुअल लीव जो है वो स्टार्ट हुई। जॉइनिंग टाइम इज एडमिशन इवन इन केस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ ट्रांसफर एक्सीडिंग। ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है लेकिन कितने दिन के बाद हो रहा है, 180 डेज के बाद हो रहा है तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम जो है वो मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था ये। द अनअवेलेबल पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एट एडमिनिस्ट्रेटिव टू अरेंज सर्वेंट सेल बी क्रेडिट टू हिज और हर लीव अकाउंट, किस रूप में एलएचपी ज्वाइनिंग टाइम एलएपी या नॉन ऑफ दी, तो एलएपी ग्रुप में। यानी अगर किसी कर्मचारी को 15 ज्वाइनिंग टाइम लीव मिली है, ठीक है, और उसमें से अगर वो 10 ही यूज करता है तो बाकी की जो 5 जेटीएल है ज्वाइनिंग टाइम लीव है वो उसके लीव अकाउंट में एलएपी के रूप में क्रेडिट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे लीव से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आप 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ कि इस वीडियो में आप 1000 लाइक जरूर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हमारा मनोबल इस तरह की वीडियो बनाने का रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।